हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों मैया यशोदा ने शनि देव को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करने दिया। लेकिन ये अद्भुत लीला को जानने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है आज से लगभग 5,500 साल पहले की, जब श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर हुआ था। संपूर्ण लोकों के स्वामी श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए, उस वक्त सभी देवी देवता अपने अपने रूप बदल के इस धरती पर आते और नंद भवन जाकर श्री कृष्ण का दर्शन करते। उस वक्त कर्म फल दाता शनि देव के मन में भी ये इच्छा जागृत हुई, क्यों ना मैं भी जाकर प्रभु का दर्शन करूं। ये सोचकर शनि देव नंद भवन की ओर गए, लेकिन मैया यशोदा रोक देती है और कहती है, आपका ये भयंकर रूप देखकर मेरा लाला डर जाएगा, मैं आपको अपने लाला को नहीं दिखा सकती। शनि देव वहाँ से बहुत ही ज्यादा दुखी होकर चले जाते हैं। शनि देव को ये बात भली भांति पता है, जो भी होता है प्रभु की इच्छा से ही तो होता है। शनि देव पास के जंगल में जाकर प्रार्थना करने लगे और दुखी मन से कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपने मुझे पापियों के न्याय हेतु बनाया है, मैं सभी को पापों से मुक्त करता हूँ, उनको सजा देता हूँ, लेकिन फिर भी संसार मुझे इस प्रकार क्यों देखता है, मुझे ही निंदनीय क्यों कहता है, वे मेरी छाया से भी क्यों डर जाया करता है। आज सभी देवी देवता नंद भवन आकर आपके दिव्य दर्शन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन किस भूल के कारण मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। उस वक्त श्री कृष्ण शनि देव को दर्शन देते हैं और उन्हें ये सलाह देते हैं, आप यहीं पर वास करिए, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा और आपकी दर्शन करेगा, उसकी सारी चिंता परेशानियाँ दूर हो जाएगी। जंगल का वो हिस्सा जहाँ श्री कृष्ण शनि देव के सामने प्रकट हुए, वो कोकिला बन कहलाए और आज भी वहाँ पर शनि देव का प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, श्री कृष्ण कभी भी भेदभाव नहीं करते, वो सबको समान रूप से प्रेम करते हैं, चाहे मनुष्य कुरूप हो या फिर शनि देव की भांति वक्र दृष्टि। श्री कृष्ण का प्रेम सदैव सबके लिए समान होता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।